हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वन बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसका पहला टॉपिक, पहला लेक्चर हम लेने जा रहे हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जहां पे भी थ्रू आउट द लेक्चर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं या मैंने आपको कोई टेक्निकल बात बोर्ड की आंसरिंग से रिलेटेड बताई है, तो प्लीज उसे अपने पास लिख लीजिएगा या फिर उसको ध्यान जरूर रखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होता क्या है, बोर्ड इसके में मैक्सिमम नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स आते क्या हैं, होती है, सबसे पहले तो सो ये लेट्स समझना जरूरी है। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जहां पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि इट इज अ यूनि पेरेंटल प्रोसेस। दूसरा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें बॉर्न होते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट से भी और आपस में भी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। दूसरा, कि इनमें एनर्जी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है, बहुत कम एनर्जी चाहिए रहती है, प्लस कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है, व्हाई आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज क्लोन्स। एसेक्सुअल ये जो रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उन्हें हम क्लोन्स ही कहते हैं। तो सिंपल है, अब आप आंसर दे सकते हैं उन्हें क्लोन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, क्लोन्स क्या होते हैं, बहुत जरूरी है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ऐसे कोई दो इंडिविजुअल्स जो आपस में एक जैसे दिखते हैं, और कौन से दो एस्पेक्ट्स जो हमें ध्यान रखने हैं उनका एक जैसे दिखने के, वो कौन से हैं? दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल आर कॉल्ड एज क्लोन्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में अंदर से इनके जीन्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपियरेंस, यानी कि बाहर से भी दिखने में बिल्कुल क्या है, एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं बाहर से भी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए हमारे लिए, दे आर क्लोन्स। नाउ ये क्वेश्चन अगेन आता है, और यहाँ पे आंसर करने के लिए हमें इन दोनों वर्ड्स का लिखना बहुत जरूरी है, वरना जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा, चाहे 2 नंबर का चाहे 1 नंबर का, आप इतना मान के चलिए आपको 50% मार्क्स मिलेंगे अगर आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड स्किप करते हैं। सो दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितनी तरह का होता है? जो मेन बेसिक है वो 4 है, फिशन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास। लेकिन एक और होता है रीजेनरेशन, ये मैं इसलिए इतना नहीं इसको फोकस कर रही हूँ बिकॉज ये हमारे ना क्वेश्चन में कभी पूछा गया है ना ही हमारी बुक में दिया हुआ है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नाउ फिशन क्या होता है, फिशन एक ऐसा सिंपल सा एसेक्सुअल का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल वो स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है उसकी बॉडी, और वो क्या बना लेती है, दो या दो से ज्यादा नए इंडिविजुअल्स बना लेती है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब उनकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सिर्फ एक सेल की बनी हुई है। फिशन दो तरह का होता है डिपेंडिंग कि वो कितने ऑर्गेनिजम्स बना रहा है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी में बाय का मतलब क्या होता है, जनरली केमिस्ट्री में और हर बायो में कहीं पे भी साइंस में, बाय मीन्स टू एंड मल्टी मीन्स मेनी, राइट? तो यहाँ पे सिंपल है, हमारी डेफिनेशन इसी से निकल के आ गई। अगर हम इसे याद कर ले, हमें दोनों को याद हो जाएगा कि बाइनरी फिशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल्स। मल्टीपल फिशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू इंडिविजुअल्स। नाउ मतलब ऐसा फिशन जिसमें कई नहीं बनते हैं। नाउ यू विल सी वन थिंग कि यहाँ पे मैंने दोनों में अमीबा का एग्जाम्पल लिया है, और उसमें बाइनरी फिशन भी दिखा रहे हैं और मल्टीपल फिशन भी दिखा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अमीबा में
बाइनरी फिशन भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है, मगर फिर फर्क क्या हुआ, कब होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्विस्ट कर दिया जाता है सवालों में बोर्ड के, और तब आप सोचते हो कि अच्छा उसका तो आंसर पता ही नहीं हमको। तो फिर बाइनरी फिशन अमीबा में तब होता है जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब अमीबा के लिए अच्छी कंडीशंस होती हैं, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करता है, बाइनरी फिशन के थ्रू। लेकिन जब इसी अमीबा के लिए बाहर के एनवायरनमेंट की कंडीशंस खराब हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, मल्टीपल फिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, स्पोरुलेशन। ओके, तो ये एंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन क्या होता है, अभी हमने ये जो पिक्चर लगाया था ये एक्चुअल में था पुराना हमारा मल्टीपल फिशन का, उससे से रिलेटेड है थोड़ा। ये अमीबा है, लिखने में लग रहा है क्यूट सा, है ना। ओके, ये अमीबा बहुत खुश है, पता है क्यों, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं, है ना, बड़े आराम से ये अपना बाइनरी फिशन कर सकता है, घूम सकता है, एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ पानी में। मगर क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस के बजाय अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, अब सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये अमीबा इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है, और ये स्ट्रेस्ड इसलिए होता है क्योंकि अब इसके सर्वाइवल पे बन गई है, अब इसकी स्पीशीज के सस्टेनेंस पे बन गई है। अगर यही खराब कंडीशंस रही तो इसकी स्पीशीज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी और फाइनली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब इसकी खुशी क्या हो गई, गायब, और अब ये सिर्फ स्ट्रेस्ड है। तो ऐसी कंडीशन में अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, सबसे पहले ये अपने स्यूडोपोडिया, हमें पता है स्यूडोपोडिया क्या होती है ना, फॉल्स फीट होती हैं, ये जो किनारे किनारे इसके निकली हैं मूवमेंट के लिए साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया को रिट्रैक्ट यानी कि विड्रॉ करना शुरू कर देता है, वापस अंदर लेना शुरू कर लेता है, और जब ये स्यूडोपोडिया वापस हो जाते हैं तो ये गोल हो जाता है, ये यहाँ पे ये गोल हो जाता है। और अपने किनारे अगर हमारे पास बारिश हो रही हो तो क्या करेंगे, छाता लेंगे, ठंडक हो रही हो क्या करेंगे, स्वेटर लेंगे, कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग लेंगे ना। वैसे ही जब इसके साथ ऐसी खराब कंडीशंस आती हैं तो ये अपने स्यूडोपोडिया रिट्रैक्ट करके क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव वॉल को रिलीज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट, सिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सिस्ट क्या है, ये एक थ्री लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, अब ये क्या करेगा, इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मल्टीपल फिशन करेगा, आ गया ना हमारा जो भी पढ़ा था मल्टीपल फिशन, ये मल्टीपल फिशन करेगा सिर्फ न्यूक्लियस पहले, और ये कई सारी न्यूक्लियाई बना लेगा। इसको सिस्ट में कवर हो जाने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंसेस्टेशन। और जब ये खूब सारी न्यूक्लियाई बना लेगा और सारी न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म से कवर हो जाएंगी, तो ये क्या बना लेता है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, मतलब एक्चुअली इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स स्यूडोपोडियोस्पोर्स, यानी कि ये स्पोर बनाना शुरू कर देता है। स्यूडोपोडियो क्यों कह रहे हैं, बिकॉज किसका स्पोर है, ये अमीबा का, जिसकी खासियत क्या है, स्यूडोपोडिया। सो ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पोरिलेशन। अब क्या होता है, अब जब अच्छी कंडीशन वापिस आ गई, वेन द फेवरेबल कंडीशन आर बैक, तो ये सिस्ट वॉल डिजोल्व होने लगती है, खत्म हो जाती है, एंड ये अमीबा या स्यूडोपोडियो स्पोर्स जो होते हैं, छोटे छोटे अमीबी जो होते हैं, ये बाहर निकल कर आते हैं और यंग अमीबा की तरह फिर अपनी लाइफ जीने लगते हैं। ना नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रैगमेंटेशन। बहुत सिंपल है, टेंथ में भी पढ़ा था, फ्रैगमेंटेशन यूनिसेलुलर नहीं लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, ऑलमोस्ट एक ही तरह की सेल टाइप इनमें पाई जाती है। यहाँ पर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी है उसका एग्जाम्पल लिया है, एंड ये है पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अचानक से ये क्या होता है, टूट जाता है मेच्योरिटी पे,
इसकी पूरी बॉडी पीसेस में, टुकड़ों में टूट गई है. टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं. तो इसकी बॉडी में क्या हो गया, फ्रैगमेंट्स हो गए. अब हर फ्रैगमेंट, जितने भी फ्रैगमेंट्स बने, हर फ्रैगमेंट केपेबल है नया इंडिविजुअल बनाने के लिए. तो इट इज व्हाट यू कॉल दैट फ्रैगमेंटेशन फॉर लास्ट इज व्हाट बडिंग. बडिंग में हम हाइड्रा का एग्जांपल हमने लिया है. बडिंग में क्या होता है, हाइड्रा वी ऑल नो, ठीक है, एसएस में ये टेंटिकल्स होते हैं. हाइड्रा में एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है इसी बॉडी पे, जिसे हम बड कहते हैं. नाउ दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. ये यहीं पे डेवलप होना शुरू करती है. थोड़ा सा बड़ी होने के बाद ये अपने पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाती है और खुद एक नया इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जीने लगती है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज बडिंग. बडिंग एक और ऑर्गेनिज्म में होती है, दैट इज ईस्ट. मगर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइड्रा में बडिंग और ईस्ट में बडिंग का क्या डिफरेंस होता है. हाइड्रा में हमने देखा कि वो ग्रो करके अलग हो गया अपने पेरेंट्स से और नया ऑर्गेनिज्म की तरह जीने लगा. ईस्ट में लेकिन क्या होता है, बड बनी, स्मॉल आउटग्रोथ ग्रो हुई और ये इससे अटैच रहने के बावजूद एक नई बड बनाना शुरू कर सकती है. एंड सेम आगे ये प्रोसेस रिपीट होता जा सकता है. तो मेन ऑर्गेनिज्म बड, फिर एक और बड, फिर एक और बड, फिर एक और बड. तो यहाँ पे क्या बन गया, चेन ऑफ बड्स फॉर्म हो जाती है. ईस्ट में क्या होता है, चेन ऑफ बड्स आर फॉर्म. नाउ ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड्स आर कंसर्न्ड. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना है, इससे पहले कि जितने भी प्रोसेस थे वो सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस थे, मतलब टाइप थे. मगर यहाँ पे ये टाइप नहीं है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बनते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस और उस प्रोसेस को करने के लिए जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन इवन आंसर द ट्विस्टेड और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड में. घुमा के भी पूछे जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर, अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है. ये प्रोसेस नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हैं. कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ज़ूस्पोर. ज़ूस्पोर जनरली कुछ एल्गी और फंगस में पाए जाते हैं. एंड जैसे कि यहाँ मैंने एक एल्गी का एग्जांपल लिखा हुआ है, क्लैडोफोरा. ओके, ये ज़ूस्पोर्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े पूछे जाते हैं. देखिए मैंने एक बोर्ड का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दे दिया है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछे जाते हैं. पहला, फ्लैजलेटेड होता है, दिख रहे हैं ना ये फ्लैजला. तो फ्लैजला है तो ऑब्वियस बात है क्या करेगा, मूव कर सकता है कहीं ना कहीं. तो इट इज मोटाइल. मोटाइल मतलब इट इज मूवेबल. उसके बाद दूसरा, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है. पहला क्या है, फ्लैजलेटेड होता है, मोटाइल होता है. दूसरा ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद आता है हमारा कोनिडिया. ये क्या है, किसमें पाया जाता है, पेनिसिलियम. पेनिसिलियम क्या करता है, छोटे छोटे अपनी ही हाइफी. पेनिसिलियम क्या होता है, फंगस होता है. और ये फंगस अपनी हाइफी पे, स्पेशल हाइफी पे छोटे छोटे स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है. ये जो दिख रहे हैं क्या है, स्पोर्स हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं. ये यहां से उड़ के कहीं जाते हैं और जाके नया फंगस बना लेते हैं. देन ये लास्ट है जेम्यूल, जो कि किसमें पाया जाता है, स्पॉन्ज. साइफा इज व्हाट, इट इज अ स्पॉन्ज. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है स्पॉन्ज की, तो वो अपने अंदर क्या करता है, ये बना लेता है जेन्यूल. ये जो अंदर दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली आर्कियोसाइट्स. मगर यही एक्चुअल में वो स्पोर्स हैं, जो कि क्या करेंगे, ये यहां से निकल के नया स्पॉन्ज कहीं ना कहीं बना लेंगे. कब, जब अच्छी कंडीशन वापस आ जाएंगी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रटन लीजिएगा. दोनों तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में. ज़ूस्पोर्स आर फॉर्मड इन क्लैडोफोरा. क्लैडोफोरा नेम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्मड इन क्लैडोफोरा, ज़ूस्पोर्स. सिमिलर इन दिस वे, कोनिडिया किसमें बनता है, पेनिसिलियम. जेम्यूल्स किसमें, स्पॉन्जेस. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स बचपन में या टेंथ में बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस टाइम पे। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब एक से कई सारे बना लेना, फैलना। एंड वेजिटेटिव मतलब यहाँ पे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो है वो उसको हेल्प कराएगा मल्टीप्लाई करने में। एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, प्लांट में दो तरह के पार्ट पाए जाते हैं, एक जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, एक जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव होते हैं उसका एग्जाम्पल है फ्लावर, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं दे आर वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि स्टेम, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ प्रोपिगेशन और इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स हेल्प्स टू मल्टीप्लाई द प्लांट। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे और बहुत पूछा जाता है जो बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं बोर्ड में, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। बच्चे इसका आंसर जनरली लिखते हैं स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है, मगर थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर दोज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट, लीव और स्टेम, विच हेल्प्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ प्लांट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ प्लांट दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत 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 पूछे जाते हैं एग्जाम में, मतलब रटना, बिल्कुल इसको रट लेना है। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं क्या है, पोटैटो। पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है, यानी कि वो चीज जिससे वो अपना नया प्लांट बनाएगा, वो क्या होता है, आईज लिखा हुआ है हम, लेकिन इन्हें क्या बोलेंगे, दीज आर बड्स। ठीक है, दीज आर एडवेंटिशियस बड्स। उसके बाद फिर क्या है, जिंजर। जिंजर में क्या होता है, राइजोम। जिंजर क्या होती है, एक तरह की राइजोम, तो उसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या हो गया, राइजोम। अगावे ये एक और प्लांट है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, बल्बिल। यू शुड लर्न इट, ओके, राइट इट डाउन। उसके बाद ब्रायोफाइलम, एक लीफ है, इसमें लीव बड्स। और उसके बाद इकॉर्निया, जिसमें ऑफसेट, ये मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, offset are what the vegetative propagule, and this is of utmost importance, इसको हम आगे डिटेल में भी लेंगे because questions बहुत आते हैं इससे। इकॉर्निया का English name is what, water hyacinth, ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, water hyacinth इसको कहते हैं, हिंदी में जल कुंभी कहते हैं, हिंदी में it is जल कुंभी। एंड आपने देखा होगा तालाब में जो उगाते हैं पेड़, एंड उसके बाद इंग्लिश में इसे कहते हैं वाटर हैसेंट, और साइंटिफिक नेम है इसका इकॉर्निया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से, पोटैटो में क्या होता है, आई बर्ड्स, जिंजर में राइजोम, अगावे बल्बिल, ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स एंड इकॉर्निया ऑफसेट। आपके पास जो बुकलेट प्रोवाइडेड होगी इसमें सारी डिटेल्स हैं, पढ़ लीजिएगा। नाउ कभी कभी ये एक जगह बस बुक में मेंशन है, लेकिन बड़ा छोटी सी लाइन में मेंशन है, बच्चे इसे अवॉइड कर देते हैं पढ़ने से, क्योंकि उन्हें लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इससे क्वेश्चन आ जाता है। ये हम जो देख रहे हैं गन्ना है, शुगर केन। शुगर केन में जो ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है वो क्या होता है, इसका नोड्स। नोड्स ऑफ शुगर केन आर इट्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये मैंने नोट दिखाया हुआ है यहाँ पर। ओके, नाउ अगेन एक और प्लांट हम देख लेते हैं, मिंट। मिंट में जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है वो क्या होते हैं, सकर्स। Suckers are the vegetative propagule that helps in the formation of new plants in mint. Now this is again very important. कि वाटर हेयासिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम स्पेशली इतना क्यों पढ़ रहे हैं अलग से, वट इज द रीजन, होता क्या है समझते हैं। ये एक तालाब है, ओके, एक लेक है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारी मछलियां हैं, सब आराम से, ये फाइटोप्लैंक्टन्स भी हैं, सब कुछ है, बड़े आराम से जी रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा पानी है, साफ पानी है, राइट। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक पौधे को उगाया गया। ठीक है, ये है हमारा वाटर हेयासिंथ या इकॉर्निया या जल कुंभी जिसे कहते हैं। ठीक है, इस पौधे को उगाने के बाद हुआ क्या, इसको क्यों उगाया गया था ये समझते हैं। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था बंगाल में, क्योंकि इसके जो ये फ्लावर्स हैं बड़े खूबसूरत दिखते हैं, पर्पल कलर फ्लावर्स होते हैं, इसकी वजह से इसको लाया गया
मगर हुआ क्या कि ये इतनी तेजी से वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है, मतलब इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि बहुत जल्दी पूरे लेक को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ये हाल हो जाता है पूरे लेक का। अल्टीमेटली ये इस पानी की, इस लेक की पूरी ऑक्सीजन को अपने अंदर ड्रेन कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट किस पे दिखता है, जो यहाँ पे जीव होते हैं, फिश मर जाती हैं, पूरा तालाब खराब हो जाता है। तो इसीलिए इसे टेरर बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये चीजें बहुत ध्यान रखिएगा इसके बारे में। पहला, इट इज टेरर ऑफ बंगाल। दूसरा, ग्रोज एट फिनोमिनल रेट, बहुत तेजी से बढ़ता है, पूरी ऑक्सीजन ले लेता है और एक्वेटिक लाइफ जैसे कि फिश वगैरह को किल कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट, अब जल्दी से हम क्या कर पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर हमने पढ़ा क्लोन्स के बारे में, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। उसके बाद टाइप्स, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड बडिंग। फिशन में, अमीबा में फिशन हमने पढ़ा था, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी मतलब दो ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल मतलब बहुत। एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, यहाँ पे आई डबल हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ही है। एंसिस्टेशन स्पोरुलेशन में हमने पढ़ा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंसिस्टेशन मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्टिव कवरिंग में, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, उसमें कवर हो जाता है, स्पोर बनाता है खूब सारे, जिसे स्यूडोपोडिया स्पोर्स कहते हैं, और मल्टीप्लाई करता है। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में टूट जाता है ऑर्गेनिज्म और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। बडिंग, एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसे हम बेड के बड कहते हैं, वो ग्रो करती है और वो पूरा नया इंडिविजुअल बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जू स्पोर, आप लोग अपने मन में प्लीज रिवाइज करिएगा जहां बैठे हैं, जू स्पोर्स जो है वो किसमें बनते हैं। जू स्पोर्स आर फॉर्मड इन समेलगियन फंजाई, एग्जांपल क्लैडोफोरा। कोनिडिया किसमें बनता है, पेनिसिलियम। जिम्नियल्स किसमें बनते हैं, स्पॉन्जेस। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा क्या होता है, बहुत टाइप के पढ़े। नाउ इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, इसे क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इकॉर्निया। क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है पूरी पानी की, साथ में क्या करता है, वहां के एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस है, आई वॉन्ट यू टू डू दीज क्वेश्चंस ओरली और इन रिटन, वॉट एवर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन योर प्रिपेरेशन। जस्ट गो थ्रू देम। वॉट डिफरेंस डू यू नोटिस ड्यूरिंग बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन इन अमीबा, बताया था मैंने क्या था, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में डिफरेंस। फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन। उसके बाद बडिंग एंड हाइड्रो बडिंग, चेन ऑफ बर्ड्स आर फॉर्म्ड, नो चेन ऑफ बर्ड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद ये क्या, बड़े सिंपल से क्वेश्चन यू कैन डू ऑन योर ओन, एंड इफ यू वॉन्ट प्लीज राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल गो थ्रू। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।